कौसे कूड़ा नहीं बल्कि बच्चों को कौसे कबूतर पढ़ाया जाता है, ये बताने की कोशिश की है गोरखपुर के कुछ युवाओं ने, जिन्होंने बंसफोड़ समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए सड़क किनारे ही पाठशाला खोल दी। देखिए गोरखपुर से आई ये रिपोर्ट। गोरखपुर में बैंक रोड के किनारे बसे बंसफोड़ समुदाय के सैकड़ों परिवारों की उम्मीद अब अपने बच्चों पर टिकी है, जो सीख रहे हैं कि बस सिर्फ बांस ही नहीं होता, बस है बालक भी होता है और बैल भी और बदलाव भी, जो सड़क किनारे चलने वाले इस चलते फिरते स्कूल के कारण आया है। पहले हम लोग बांस का काम करते थे, कबाड़ बीनते थे, भी मांगते थे, अब पुलिस वाला आ रहे थे, हटा रहे थे, फिर सर हम लोग का अच्छे सर मिल गए, फिर पढ़ाते थे, दिखाते थे, तो हम लोग रोज पढ़ते थे, हम लोग का अच्छा लगता था। यहाँ सदियों से रह रहे बंसफोड़ समुदाय के हजारों परिवार अपनी पहचान के मोहताज हैं, न इनका राशन कार्ड बना और न ही आधार कार्ड, पढ़ना लिखना न जानने से योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला। अब उम्मीद है कि मोबाइल स्कूल में जाकर बच्चे कुछ सीखेंगे, जिंदगी में बेहतर और कामयाब इंसान बनेंगे। अच्छा ये लग रहा है, जो हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमको खुद महसूस हो रहा है हम चले ठीक पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो किस हमारा भविष्य कुछ बनेगा, हम जैसे हैं वैसे हमारे बच्चे भी नहीं रहे, पढ़ लिख के कुछ कुछ कामयाब बन सकते हैं, मान लीजिए हम जैसे जाहिल हो वैसे सब हमारे बच्चे जाहिल ना रहे। इस मोबाइल स्कूल के कारण अब ज्ञान का मंदिर बंसफोड़ों की बस्ती तक आ पहुंचा है, न कोई सरकारी मदद न ही कोई संस्था, खुद ही इससे जुड़े युवाओं ने यहाँ के बच्चों का भविष्य संवारने की ठान ली। यही बच्चे हमारे जैसे बनेंगे, फिर ये भी किसी को पढ़ाएंगे अपने जैसे, ये भी जानेंगे कि हम किस तरह से आए और कहाँ जाएंगे, ये बड़ा परिवर्तन आएगा कि अगर हमारे देश का बच्चा जो सड़क पे भीख मांग रहा है और वो स्कूल में जाएगा तो इससे बहुत बड़ा चेंज आने वाला, कल ये नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तमाम चीज़ें बन जाएंगी। पहले इन बच्चों को ब्लैक बोर्ड तक खींच लाने में दिक्कतें ज़रूर आई, लेकिन अब उन तमाम बच्चों के हाथों में किताबें आ चुकी हैं जो कभी कूड़ा बीनने में व्यस्त रहते थे। आखिरकार पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। पिछले कई दशकों से गोरखपुर के सड़कों के किनारे अपनी जिंदगी जीने वाले बंसफोड़ समुदाय के इन बच्चों के जीवन में उजाला भरने का जिम्मा गोरखपुर के कुछ युवाओं ने लिया है। यह इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि कभी कूड़े के ढेर में अपना भविष्य तलाशने वाले बच्चे आज किताबों के जरिए समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। गोरखपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।